नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया की खास पेशकश। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। ठीकरी थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में आने वाले 22 तारीख को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर में होने वाले आयोजनों को लेकर रखी गई। 22 तारीख को ठीकरी नगर में कई सत्संग भजन कीर्तन आदि मंदिरों में किए जाएंगे, जिनको लेकर नगर के निवासियों ने थाना प्रभारी को अवगत कराया और नगर में होने वाले मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को लेकर भी नगरवासियों ने थाना प्रभारी को बताया, जहां नगर में हर घर में दीपोत्सव होगा। वहीं नगर के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी और दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा, इसकी जानकारी नगरवासियों ने दी। थाना प्रभारी सोनल सिसोदिया ने बताया कि जो नगर में आयोजन किए जाएंगे उनकी सुरक्षा की दृष्टि से और ये आयोजन सभी सफल रहे, यही हमारा उद्देश्य है। ठीकरी तहसीलदार कार्तिक मौर्य, नगर परिषद सीएमओ प्रेम वसूरे, नगर परिषद उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान, पार्षद धीरज मंडलोई, दुर्गेश पाटीदार, प्रदीप यादव, रमीन मंडलोई, आशीष महाजन, शाहिद खान आदि उपस्थित रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। शांति समिति की बैठक थी, किस उद्देश्य से थी? आज थाना परिसर है ठीकरी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत जी के मार्गदर्शन में पूरे संपूर्ण जिले भर में शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। उसी कार्यक्रम में थाना ठीकरी पर भी आयोजित की गई है। 22 तारीख को श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। भव्य आयोजन रहेगा, देश भर का सबसे बड़ा आयोजन। उसी को लेकर ठीकरी क्षेत्र में छोटे बड़े जो जितने भी आयोजन हैं उसमें पुलिस की सुरक्षा के लिए मतलब पुलिस पूरी सुरक्षा देने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है कि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से हर कार्यक्रम जो है सम्पन्न हो सके।